so hello my dear friends so today we are going to discuss grammar topic and today's topic is adverbs so let's begin the topic definition of adverbs here the word that adds to the meaning of a verb an adjective or even an adverb is known as adverb jo adverb hota hai, wo. मीनिंग को क्लियर कट कर देता है चाहे वो कोई वर्ब है एडजेक्टिव है और इवन वर्ब है कि आखिर मीन्स हम ये कह सकते हैं कि उसको मॉडिफाई कर देता है हमें क्लैरिटी कर देता है कि कोई भी जो है एडजेक्टिव है एडवर्ब है या फिर वर्ब है उसको और क्लियरली हमें बताता है जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास ही सिंग्स वेल तो इन दिस एग्जाम्पल सिंग्स सिंग्स इज अ वर्ब तो यहाँ पे बताया गया कि एक काम मीन्स सिंगिंग जो है वो कैसे की गई है वेल well. तो मीन्स सिंगिंग के जो मीनिंग है जो गाना उसने गाया है जब वो गाना जो है गाता है वो उसका वे बताया कि कैसा है वेल well. सो so, इसने एड कर दिया वर्ब जो था एक्शन uh, जो था उसके मीनिंग को और एडअप करके बताया कि हाउ द एक्शन इज डन नेक्स्ट Kinds of adverb. So here are some kinds of adverbs are mentioned. First adverbs of manner, second adverbs of place, third adverbs of time, fourth adverbs of frequency, fifth adverbs of duration, sixth adverbs of number, seven adverbs of degree, eight adverbs of interrogation. Let's discuss all these types deeply.

के बाद या फिर एक ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ होते हैं अब ये कैसे होते हैं हेयर ही क्राइड लाउडली क्राइड इज़ अ वर्ब ये वर्ब के बाद यूज़ हुआ लाउडली तो लाउडली क्या है एडवर्ब्स एडवर्ब adverb है तो मोस्टली एडवर्ब जो होते हैं उनके पीछे जो होता है वो एल वाई लगता है मोस्टली बट नॉट ऑल वो हम डीपली मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी नेक्स्ट आई डू माई वर्क ऑनेस्टली आई डू my work, I subject do verb, my work is a object. After the object there is adverb honestly. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये adverbs जो हैं वो verb और object के बाद use होंगे Luckily, no one was hurt in the accident. जब हम किसी चीज़ पर और ज़्यादा stress डालकर हम बताना चाहते होते हैं ना तो कई बार ये adverbs होते हैं sentence के beginning में आ जाते हैं और साथ में लगता है Luckily, no one was hurt in the accident. Next, most adverbs of manner end in ly. As I already told you, uh, like uh, badly, safely, suddenly, happily, sadly, quickly, carefully, politely, etc. Because these are just some of the examples of adverbs of manner. वर्ड्स लाइक वेल हार्ड फास्ट ऑल्सो ऑफ वर्ब्स तो ये जो वर्ड एडवर्ब्स हैं जरूरी नहीं है जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि इनके एंड में एल वाई ही हो तो ये भी किस में आते हैं तो ये भी एडवर्ब्स ऑफ मैनर में आते हैं जैसे हमने पहली वाली एग्जाम्पल में किया था ना ही सिंग्स वेल सिंग्स वेल वेल कहाँ पे है उसने गाना आखिर हाउ ही दीज एडवर्ब आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब शी स्पीक्स इंग्लिश वेल तो ये जो हैं जैसे वेल well है हार्ड एंड फास्ट है ये कहाँ पर लगेंगे ये सेंटेंस के लास्ट में यूज होंगे जैसे ऑन द वीक शी पार्टीज हार्ड सो दीज आर सम्पल नेक्स्ट एडवर्ब्स ऑफ प्लेस दे टैलस वेयर समथिंग इज डन और हैप्पन एडवर्ब्स वर्ब प्लेस हमें ये बताती है कि कोई भी एक्शन जो है आखिर वो हुआ कहाँ है प्लेस है जैसे जगह स्थान के बारे में हमें बताएंगे सच एट वर्ब यूजली कम आफ्टर द वर्ब ऑब्जेक्ट और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस जो प्लेस वाले हैं वो मोस्टली जो हम लगाते हैं वो एंड में लगाते हैं चाहे वो वर्ब के बाद में हो ऑब्जेक्ट के बाद में हो ठीक है ये जो है वो यूज हम करते हैं एग्जाम्पल है ही लिव्स हयर हेयर इज़ अट वर्ब ऑफ प्लेस ही लिव्स हेयर जो कि वर्ब के बाद में यूज़ हुआ है नेक्स्ट द गर्ल्स आर स्लीपिंग अप्स्ट हेयर नेक्स्ट फॉर इम्फेसिस इन कन्वर्जेशन और नैरेटिव्स दे कम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस को तो कई बार हम इनको स्टार्टिंग में भी यूज़ कर देते हैं जब हम किसी चीज़ पर ज़्यादा स्ट्रेस डालने की कोशिश करते हैं जैसे हेयर कम से माई फ्रेंड यहाँ देखो मेरा फ्रेंड आ गया है यहाँ पर तो ऐसे सेंटेंसेज में ये कई बार आगे भी लग जाते हैं नेक्स्ट एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इंक्लूड सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आर देयर लाइक एडवर्ब बिलो अप डाउन आउटसाइड इनडोर देयर हियर अंडर एवरीवेयर वेयर नाउ वेयर समवेयर अपस्टेयर एक्सेट्रा नाउ वी आर मूविंग अहेड फॉर द थर्ड एडवर्ब एडवर्ब्स ऑफ टाइम टाइम इज वेन समथिंग इज डन और हैपन कोई भी एक्शन जो है वो कहाँ पे हुआ है ये बताता है कि हमें कोई भी चीज़ जो है वो कहाँ पे हो गई है या हो रही है क्लियर दे व्हेन समथिंग इज डन और हैपन सच एट वर्ब्स ऑफन कम आफ्टर द वर्ब एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ये सेंटेंस के बाद में वर्ब के बाद में और एंड में लगते हैं जैसे कि दिया गया है ही केम येस्टरडे केम वर्ब के बाद में शी लेफ्ट अर्ली

examples after before soon now then yesterday today these are the some examples of adverbs of time next we have fourth type adverbs of frequency frequency means how many time they tell us how often something is done or happens ये हमें बताते हैं कि कोई चीज कितनी बार हुई है ठीक है numbers बताता है ये कितनी चाहे वो countable हो चाहे ना हो क्लियर है कि इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब इसकी हैपनिंग अगेन एंड अगेन हुई हुई है तो ये हमें बताता है कि फ्रीक्वेंसी के हाउ ऑफन समथिंग इज डन और हैपन्स नाउ ही इज ऑफन एबसेंट वो अक्सर एबसेंट रहता है तो ऑफन ही यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी है बताया गया है द मैगजीन कम्स आउट वीकली ये मैगजीन जो है वो वीकली आता है तो वीकली क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी की पर वीक वो आता है इस वीक आ गया तो नेक्स्ट वीक आएगा फिर उसके नेक्स्ट वीक आएगा तो ये फ्रीक्वेंसी बताई गई है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्लूड अगेन ऑलमोस्ट ऑलवेज आवर फ्रीक्वेंसी जर्नली हार्डली आवर नियरली ऑफ रेयरली सेल्डम समटाइम्स ट्वाइस यूजली hourly weekly etc so these are the some of the examples of adverbs of frequency remember so here is a keynote adverbs of time and frequency like always after seldom ever never sometimes frequently scarcely etc placed before the principal verb principal verb means domain main verb here जो सेंटेंस में मेन वर्ब गिवन है उसके जो है क्या लगेगा आगे लगेगा जैसे कि ही ऑलवेज कम्स अर्ली कि वो हमेशा जल्दी आता है तो यहाँ पे क्या लगा है कम्स जो है वो मेन वर्ब है और उसके आगे क्या लगाया हुआ है ऑलवेज बट सेकंड एक और है हमारे पास जो हमने माइंड में रखना है दैट इज एंड इफ द वर्ब इज बी अगर वो वर्ब जो है इज मार है क्लियर बी है एक्सेट्रा इज एम आर गिवन है द एडवर्ब कम्स आफ्टर द वर्ब तो जो है एडवर्ब जो है वो इस वर्ब दैट इज इज एम आर के बाद में लगेगा जैसे ही इज ऑलवेज अर्ली वो हमेशा जल्दी में होता है जो जल्दी आता है क्लियर और यहाँ पर इज है जो है वो मेन वर्ब है तो इसके बाद में लगेगा ऑलवेज इज इट क्लियर ऑलवेज कीप इन अ माइंड अगर ये वर्ब जो है इज एम आर है तो इसके बाद में ऑलवेज जो है वो लगेगा ऑलवेज सेल्डम ऐसे एडवर्ब्स uh, यूज होंगे अगर सिंपल वो मेन प्रिंसिपल वर्ब वर्ब गिवन है MR नहीं है एम आर नहीं वर्ब गिवन है तो वहां पर उनके आगे यूज होगा एडवर्ब जैसे ही ऑलवेज कम्स अर्ली नेक्स्ट स्वेट वर्ब्स ऑफ ड्यूरेशन दलस हाउ लॉन्ग समथिंग इज डन और हैपन्स ये हमें बताते हैं कि कोई चीज़ कितने लंबे समय तक में तक हुई है उसके ड्यूरेशन को बताते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव द हेल स्ट्राम लास्टेड थ्री आवर्स की जो हेल स्ट्राम है वो तीन घंटे तक रहा तो लास्टेड थ्री आर्स जो है थ्री आर्स जो है वो ड्यूरेशन है उस हेल स्ट्राम की नेक्स्ट रेनोवेटेड शोरूम विल ओपन इन अ वीक्स टाइम जो रेनोवेटेड शोरूम है वो एक हफ्ते के टाइम में ओपन हो जाएगा तो एक हफ्ते का जो टाइम है दैट इज़ अ ड्यूरेशन नेक्स्ट माय टेलीफोन इज़ टेम्परली आउट ऑफ ऑर्डर मेरा जो टेलीफोन है वो टेम्परली आउट ऑफ ऑर्डर है और यहाँ पे टेम्परली जो है वो ड्यूरेशन है चाहे उसको हम शॉर्ट मान के चले चाहे उसको लॉन्ग मार के चले तो यहाँ पे टेम्प्रेली एडवर्ब्स ऑफ ड्यूरेशन है इन दैडिंग देर इज अ पी बट एट द पी देर इज एफ एडवर्ब्स ऑफ ड्यूरेशन नेक्स्ट एडवर्ब्स ऑफ ड्यूरे इंक्ल्यूड टेम्परली पर्मेंटली ब्रीफली फॉर एवर फॉर टू ईर्स डेज मंथ्स हेयर फॉर टू टू के जगह पर थ्री फोर फाइव जो भी नंबर है वो दिया जा सकता है वो ईयर्स डेज और मंथ्स हो सकते हैं ऑल डे ऑल नाइट हो सकता है ऑल नाइट लॉन्ग भी हो सकता है ऑल डे लॉन्ग भी हो सकता है नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब्स ऑफ नंबर दे इंडिकेट नंबर और सीक्वेंस ये नंबर और सीक्वेंस के बारे में हमें बताएंगे जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वंस थ्राइस दे इंक्लूड वर्ड्स सच एज Firstly, secondly, yearly, once, etc. And here the example is, they saw me once. उन्होंने मुझे एक बारी देखा है। तो adverbs of number is in this example is once. Next we have seventh. Adverbs of degree. They tell us the level or extent that something is done or happen. ये हमें degree बताते हैं। मतलब degree मतलब हम मान के चलो कि उसके उसके level के बारे में बताती। वो कितना था? Clear है? तो ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होते हैं एग्जाम दे आर मोस्ट ऑफन यूज विद एडजेक्टिव तो ये मोस्टली जो होती हैं वो एडजेक्टिव के साथ यूज होते हैं एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ मच तो ये मैं बताती कितना कतनाक मीन्स डिग्री शो करते हैं जैसे है शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल तो ब्यूटीफुल क्या है वो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की हाउ मच ब्यूटिफुल कितना है हाउ मच दैट इज़ वेरी नेक्स्ट ही वॉक्स टू स्लोली तो यहाँ पे स्लोली का लेवल बताया गया है स्लोली की डिग्री बताई गई है दैट इज एडवर्ब एडवर्ब जो है, slowly है, तो slowly है? Too, स्लोली है तो वो स्लोली कितना का है टू बहुत ज़्यादा कम वो बहुत ज़्यादा स्लोली है टू का मतलब है बहुत ज़्यादा तो टू स्लोली नेक्स्ट एडवर्ब्स ऑफ डिग्री इंक्लूड ऑलमोस्ट लिटिल मच नियरली रियली टू वेरी फ्रेटी इनफ etc so these are the some of the examples of adverbs of degree and uh, last we have adverbs of interrogation interrogation means questioning sentences they are used in asking questions they includes words like why when where and how uh, in a simple wording we can say uh, these type of adverbs include WH family or Wh question, who, where, etc and how also. and examples are there: Where do you live? question mark When did he come? Why are you laughing? In these three examples, where, when and why are the adverbs of interrogation. Note. इफ अ सेंटेंस कंटेन मोर देन वन एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्राइजेस दीज शुड बी प्लेस इन अ ऑर्डर अगर एक से ज़्यादा एडवर्ब्स जो हैं कि सेंटेंस में गिवन है तो हम उसको ऑर्डर में कैसे लगाएंगे तो उसका ऑर्डर होगा पहले मैनर लगेगा फिर प्लेस लगेगी और फिर क्या लगेगा टाइम लगेगा अब ये कैसे होगा लेट्स अंडरस्टैंड विद द एन एग्जाम्पल ही spoke well at the meeting last night well is also an adverbs meeting is also adverb of place last night is also adverb and how is uh, they are explained here firstly Manner is there, well is a manner, meeting is a place, and last night is the time. So, this is the end of the task. I hope all of you have learned a lot about the adverbs. Thank you so much.